49. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. वेलकम टू अराइज एंड शाइन. जो मैं हमेशा कहती हूँ, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर जॉइनिंग अस. आप हमें अपना फीडबैक भी देते हैं, अच्छा और बुरा. हम दोनों को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं, वी विल डू इट. जो हमें लगता है कि करेक्ट होनी चाहिए, और हम इसीलिए कहते हैं कि आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो एंड गिविंग योर कॉमेंट्स. से हमें ये पता चलता है कि यू आर इंटरेस्टेड, यू आर लर्निंग. बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और हमें बताते हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है जान के. इट्स इंडीड एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, यू कैन लर्न. शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन देना चाहूँगी, बिकॉज आज सुबह अपनी प्रेयर करती हूँ मैं जब, तो आई वॉज रीडिंग दिस वर्स, उससे मैं बहुत ब्लेस हुई. द वर्स वॉज रेवलेशन 3:20. दिस इज मुकाशवा, उसका तीसरा बाप, उसकी 20 आयत. मैं अभी थोड़ी देर पहले शेयर भी कर रही थी किसी से, कि उसमें लिखा है कि गॉड सेज कि आई स्टैंड एट द डोर ऑफ योर हार्ट एंड आई नॉक. यानी कि खुदा आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है और वो नॉक कर रहा है. वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है. जिन्होंने खोला है उनके तो डेफिनेटली हार्ट में खुदा है, और उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती से बदली, और मैं उसकी एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ. और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लाइफ इज़ व्हेन यू ओपन योर डोर्स एंड गॉड कम्स इन, ही लिव्स विद यू, आपके साथ वो रहता है, आप उसकी जिम्मेदारी हो जाते हैं, तो वो आपकी हर चीज़ संभालता है. फिर जब आपकी मुश्किल हो, आपकी परेशानियाँ हो, आप जब रोते हैं या हंसते हैं, वो आपके साथ हंसता है, वो आपके साथ आंसू बहाता है. ही बिकॉज ही बिकम्स अ योर लाइफ, ही लिव्स इन यू, ही बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. लेकिन जब आप दरवाज़ा बंद रखते हैं तो वो अंदर नहीं आता, क्योंकि खुदा, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि गॉड इज़ अ जेंटलमैन. ही जीसस ऐसे नहीं है कि वो ज़बरदस्ती घुस जाएंगे अंदर. ज़बरदस्ती घुसने वाला काम डेविल का है, बिकॉज ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. लेकिन खुदा किस लिए आया? टू गिव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस. तो अगर आपने अभी तक अपना दिल का दरवाज़ा नहीं खोला है, प्लीज़ ओपन इट. यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन, क्योंकि मैंने भी ये डिसीजन लिया था और मैं आज तक इस पर कभी नहीं पछताई और ना ही पछताऊंगी, बिकॉज आई नो दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. ओके, कमिंग बैक टू आर टॉपिक. हम प्रीफिक्सेस कर रहे थे एंड हमने छोड़ा था हाइफनेटेड प्रीफिक्सेस पे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज. हाइफन क्या होता है? हम चाहते हैं छोटी सी डैश आप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइफन. डेफिनेटली हम इसके बारे में और डिटेल्स भी करेंगे व्हेन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट पंक्चुएशन, बिकॉज में पंक्चुएशन मार्क्स हैं. इस तरह फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉन्टेक्स्ट में लिखते हुए या इन्वर्टेड कॉमास, ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं जब आप लिख रहे होते हैं कोई कुछ भी इंग्लिश में, और आप पढ़ते भी होंगे आर्टिकल्स वगैरह में. सो विल बी डूइंग दैट. आज हम सिर्फ हाइफन की बात इसलिए करेंगे बिकॉज हाइफन इज रिलेटेड टू हाइफनेटेड प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस क्या हैं, थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूँ. हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एफिक्स जो आप वर्ड के शुरू लगाते हैं, जिससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है या उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसको आप बोलते हैं प्रीफिक्स. व्हाई प्रीफिक्स? बिकॉज ये वर्ड के शुरू में लगाया जाता है. जिस तरह हम लोगों ने कुछ एग्जांपल की थी, जैसे हमने कहा था अनलेस या अनलॉफुल, ये क्या है? प्रीफिक्स हैं जो वर्ड के शुरू में लग रहे हैं. ये हमने पहले भी किया था, वो और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी. आज हम ये बात करेंगे कि ऐसे प्रीफिक्सेस जिनके अंदर आपको हाइफन लगाना पड़ता है. हाइफन एक छोटी सी डैश होती है जो आप लगाते हैं, उसका पहला रूल क्या है? अब कब आपको पता चलता है कि हमें जो प्रीफिक्स, अब देखिए यहाँ मैंने अनलॉफुल या अनलेस लिखा है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है प्रीफिक्स की. अगर मैं ऐसे लिखती तो ये चीज़ कहलाती है हाइफन, एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइफनेटेड प्रीफिक्स. लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर एक प्रीफिक्स को आपने हाइफन के साथ नहीं लगाना है. हम यही बात आज करेंगे कि क्या रूल्स हैं, कब आपको इंग्लिश में अगर प्रीफिक्स लगाना है तो आपको हाइफन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उनको हम कहते हैं, उन प्रीफिक्सेस को, हाइफनेटेड प्रीफिक्सेस. तो आज हम वन बाय वन रूल करेंगे उनके. पहला रूल, अगर आपके पास दो ऐसे वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपने री प्रीफिक्स यूज करना है और उसके साथ जिस वर्ड के साथ आपने लगाना है वो है एंटर, ठीक है? एंटर यानी दाखिल होना. अगर मैं री एंटर कहती, री हमने कहा था मींस दोबारा, यानी री सबमिशन, री एंटर, री एडमिशन, हमने ये बात की थी. जब आप ये देखें कि जो आपका लास्ट लेटर है वो क्या है? वाउल. और जो आपका वर्ड शुरू हो रहा है जिसके साथ आपने प्रीफिक्स लगाना है वो भी कौन सा वाउल है? सेम वाउल है. ये भी वाउल ई है. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट वाउल्स ए ई आई ओ यू. बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सनेंट्स. 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 जो हैं ए ई आई ओ यू आर
वाउल्स और बाकी सब क्या है कॉन्सनेंट्स। तो हम बात ये कर रहे हैं कि ये भी वाउल सेम है, ई है और ये भी सेम है। जब आपको प्रीफिक्स लगाना हो और जो जिसके जिस वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगाना है वो वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर भी सेम वाउल हो जिससे ये वाउल एंड हो रहा है, तब आप बीच में क्या लगाते हैं हाइफन। ये है पहला रूल कि आपको हाइफन कब लगाना होता है। वैसे हम ज्यादा देख सकते हैं, अगर मैं लिखती हूँ रीसबमिशन, अब यहां पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि ई तो ठीक है वाउल है लेकिन एस वाउल नहीं है। ओके, एस इज अ कॉन्सनेंट, तो सबमिशन का जो वर्ड है वो शुरू हो रहा है कॉन्सनेंट वर्ड के साथ, वर्ड कह रही सॉरी लेटर के साथ। एस इज नॉट अ वाउल, एस इज अ कॉन्सनेंट, इसलिए मैंने यहां पर हाइफन यूज नहीं किया। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर जो वर्ड शुरू हो रहा था वो भी वाउल से हो रहा था एंड दैट वाज द सेम वाउल जो री के एंड में लेटर था, वो वाला वाउल भी ई था। ऐसे जब आपने प्रीफिक्सेस लगाने हैं तो उनके साथ आपने हाइफन जरूर लगाना है, दिस इज द फर्स्ट रूल, क्योंकि आपने इनके साथ जरूर लगाना होता है वाउल। दूसरा रूल, यहां पर जरूरत नहीं है हाइफन की क्योंकि एस इज नॉट अ वाउल, ई तो वाउल है, तो इधर आप नहीं लगाएंगे। यहां पर दोनों सेम थे तो इसलिए इसके साथ आप डेफिनेटली हाइफन लगाएंगे। तो आप जो आप प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स लिखने के बाद री क्या है, री इज अ प्रीफिक्स, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है जी आपका वर्ड। तो वर्ड लगाने से पहले प्रीफिक्स लिखा आपने और हाइफन लगाया, फिर वर्ड लिखना है, ठीक है। दूसरा रूल, हम जब प्रॉपर नाउन्स यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी खास जगह का, पर्सन का या किसी चीज का नाम। जैसे हम कहते हैं अमेरिकन, अमेरिका या अमेरिकन जो है ये एक खास नेम हम देते हैं। अब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ कि ये जो तुम्हारी चीज़ थी ये बिल्कुल टोटली अमेरिकन जैसी नहीं थी जैसे अमेरिकन करते हैं, तो मैं इसके साथ अन लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अमेरिकन इज द वर्ड विच इज एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन, अब उसको मैं चेंज कर, वैसे तो अमेरिकन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, अमेरिका इज अ नाउन तो अमेरिकन मीन्स एडजेक्टिव, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से निकला है इसलिए क्योंकि अमेरिकन का हमेशा ए हम कैपिटल लिखते हैं, तो उसके पीछे जब मुझे लगाना होगा प्रीफिक्स तो मैं बीच में क्या लगाऊंगी हाइफन। यानी जो प्रॉपर नाउन्स आप यूज करते हैं उन प्रॉपर नाउन से पहले आपने अगर प्रीफिक्स लगाना है तो उसमें भी आपको हाइफन लगाना होगा। तो इसीलिए ये सेकेंड रूल है। प्रॉपर हमने पढ़े थे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, थोड़ा सा रिपीट भी मैं कर देती हूँ। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग एंड कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, यानी दिस इज अ कैट, तो कैट कोई भी हो सकती है, इट्स अ कॉमन नाउन। दिस कैट इज कॉल्ड कोई भी नाम, स्नोबेल, ठीक है, अगर आपने उसको नाम दिया है कैट को तो स्नोबेल क्या है, उस एक स्पेसिफिक कैट का नाम है तो स्नोबेल क्या होगा, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जब आप किसी जनरल चीज की बात करते हैं, दिस इज अ कंट्री, ओके, शी लिव्स इन सम कंट्री, कंट्री क्या है, कोई भी कंट्री हो सकती है, दिस इज अ कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं कहती हूँ शी लिव्स इन अमेरिका, तो अब अमेरिका का ए कैपिटल होगा क्योंकि अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन। उसी से ये वर्ड एडजेक्टिव की फॉर्म में निकला है अमेरिकन, और अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये अमेरिकन जैसी चीज हरकत नहीं तुमने की या कोई ट्रेडिशन अमेरिकन जैसा नहीं है तो मैं अन लगाऊंगी, अन इज अ प्रीफिक्स, लेकिन जब मैं उसको यूज करूंगी मैं हाइफन के साथ यूज करूंगी। यू एन इज द प्रीफिक्स, फिर हाइफन और फिर आप प्रॉपर नाउन्स, यानी जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं आप उन प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई स्पेसिफिक प्रीफिक्स लगाते हैं तो आपको क्या लगाना होगा, हाइफन। दिस इज द सेकेंड रूल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली काफ़ी बड़े हो जाते हैं जब आपको हाइफन लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपकी मर्जी होती है, अगर आपको फील हो रहा है कि ये काफ़ी बड़ा बन गया है वर्ड अगर मुझे लगाना है इसके साथ हाइफन, लगाएं या ना लगाएं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस होती है कि कॉन्टेक्स्ट में लिखते वक्त आपको फील हो रहा है कि अच्छा इसके साथ ये मुझे लगाना चाहिए। जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जब ये चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये वर्ड थोड़ा ऑड लग रहा है, इस ये लंबा वर्ड हो है तो मुझे इसके साथ प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, तो आप उस सिचुएशन में भी प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ओनली इफ यू फील दैट बाय एडिंग हाइफन इट वुड लुक बेटर, अगर ये बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है तो मैं अगर उसके साथ हाइफन लगा दूंगी तो लगाया जा सकता है। ये होती है एक जनरल स्टेटमेंट, लेकिन ये है प्रॉपर रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं। तीसरा जो रूल मैं आपको ये बता रही हूं, इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है यानी आपने करना ही करना है, ये तो है हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है, थर्ड वाला भी मैं बताऊंगी आपको कौन सा है, लेकिन ये चीज जो जनरली बोली जाती है इसमें आपको फील हो के अच्छा ये वर्ड थोड़ा बड़ा हो गया मुझे इसके साथ लगाना चाहिए। जिस तरह कुछ लोग रिकवर लिखते हैं ऐसे, दिस इज करेक्ट, रिकवर
यानी कुछ मसला हुआ था, वो दोबारा से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं रिकवर कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग कभी कभी इसको कॉन्टेक्स्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको फील हो रहा है कि नहीं, इस वर्ड के साथ मुझे हाइफन लगा लेना चाहिए क्योंकि ये ऑड लग रहा है, ये तो छोटा वर्ड है, अभी कभी बड़े बड़े वर्ड्स भी होते हैं, कभी आपको उनके साथ भी लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ तब आप हाइफन को यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आपसे कहा कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये दोनों रूल्स हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, यू हैव टू यूज़ हाइफन व्हेन यू आर यूजिंग सेम वाउल लेटर्स दैट आर कमिंग इन द प्रीफिक्स एंड इन द लेटर विच इज स्टार्टिंग विद अ वाउल। यहाँ तो डेफिनेटली हाइफन लगाना ही होगा आपको। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि जब प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपने प्रीफिक्स लगाना है, ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल है, मीन यू हैव टू डू इट। तीसरा, ओके, जो थर्ड रूल है विच इज आल्सो हार्ड एंड फास्ट रूल, क्यों? क्योंकि ये आपने डेफिनेटली करना है जब आप प्रीफिक्सेस यूज करते हैं एक्स के साथ और सेल्फ के साथ। एक्स मैंने बताया था फॉर्मर, पुराना, जैसे ना एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, उनसे पहले आपने ये लगाना है एक्स वाइफ, यानी वो वाइफ जो अब आपकी नहीं है, फॉर्मर वाइफ, या तो आपने दूसरी शादी कर ली है या डिवोर्स हो गई है, तो आप उसको कहते हैं एक्स वाइफ, या एक्स हस्बैंड, या एक्स फियांसे। एक्स फियांसे और फियांसी में क्या फ़र्क है? FIANCE, दैट इज़ फियांसे अगर मेल मंगेतर को कहा जाता है, फियांसी कहा जाता है फीमेल, FIANCEE, दैट मीन्स फीमेल जो मंगेतर होती है उसको, वो भी आपको बता दूंगी थोड़ी देर में, पहले हम जरा ये कर लें। तो एक्स वाइफ, एक्स जब भी आप यूज़ करेंगे, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रूल बता रही हूँ। ओके, सो दैट मीन्स कि आप एक्स जब भी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसके बाद आप हमेशा क्या लगाएंगे? हाइफन। जितने भी आप वर्ड्स के साथ एक्स वाला आप प्रीफिक्स लगाते हैं उनसे पहले आपको यूज़ करना ही है हाइफन, तो दिस इज़ अ हाइफनेटेड प्रीफिक्स। उसके बाद सेल्फ, सेल्फ का मतलब था खुद, यानी सेल्फ मेड, यानी ये चीज़ मैंने खुद बनाई है, सेल्फ जो आप खुद करते हैं, ठीक है। तो आप इससे पहले भी जो आप सेल्फ के साथ लगाएंगे वर्ड, ये सेल्फ इज़ अ प्रीफिक्स, वो जब आप वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी आपने डेफिनेटली हाइफन लगाना है, क्योंकि इन, जिस तरह मैं कहती हूँ, आई, दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस, जी सेल्फ कंट्रोल में भी बिल्कुल, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने आप पर खुद कंट्रोल करना, ठीक है, ओके। सेल्फ मेड, यानी ये चीज़, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, यानी मैंने अपने आप को खुद बनाया है, मैंने अपने पर मेहनत की है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लोग इस तरह के डायलॉग्स बहुत बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मतलब उनका मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने आप को खुद तख्लीक किया है या क्रिएट किया है, व्हाट दे मीन टू से, इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला जाता है, सेल्फ मेड मीन्स, वो ये कहने का मतलब ये होता है लैंग्वेज में कि मैं जो इस कामयाबी तक पहुंचा हूँ मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, यानी मैंने अपनी मेहनत खुद की है, लोग इस तरह के डायलॉग्स इंग्लिश में मोस्टली बोलते हैं, इसलिए बता रही हूँ आपको। ओके, इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर क्रिएटेड बाय योर ओन सेल्फ, बिकॉज यू कांट डू इट, गॉड इज़ योर क्रिएटर। ओके, सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि अपने आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप, ज़रा अपनी अपनी हर चीज़ पर, अपनी जो भी काम आप करते हैं, जो भी आप एक्ट करते हैं, उसके बारे में आप बहुत कॉन्शियस हैं कि मैं कोई गलती ना कर दूं, यू आर वेरी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, तो आप कहते हैं ये बड़ी सेल्फ कॉन्शियस है, इसको हर वक्त अपनी पड़ी रहती है कि मैंने कोई गलत तो नहीं कह दिया, गलत तो नहीं कर दिया, तो वी से सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने पर कंट्रोल रखना, अपने जो जैसे आप बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसको कंट्रोल रखना, सो यू से सेल्फ कंट्रोल। अब देखें इन सब के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, हाइफन, बिकॉज जब भी आप सेल्फ का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या एक्स का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, इन के साथ हमेशा आपने इन प्रीफिक्स के लगाने के बाद आपने हाइफन यूज़ करना ही है। सो दीज आर द थ्री रूल्स। पहला क्या था, जब आपका जिसके साथ प्रीफिक्स आपने लगाना है, एक तो इनके एंड में भी वाउल आए और सेम वाउल वो वर्ड हो जिसके साथ आपने प्रीफिक्स लगाना है, उससे शुरू हो रहा है अगर वो वर्ड, तो इसलिए उसके दरमियान भी आप प्रीफिक्स लगाएंगे, सॉरी हाइफन लगाएंगे प्रीफिक्स के बाद। एंड दूसरा, अगर आपने प्रॉपर नाउन यूज़ किया, बिकॉज प्रॉपर नाउन्स के पहले आप हमेशा क्या लगाएंगे, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपने प्रीफिक्स लगाना है तो यू विल ऑलवेज यूज़ हाइफन, ठीक है। थर्ड रूल क्या था, एक्स वाला प्रीफिक्स और सेल्फ वाले प्रीफिक्सेस, ऐसे जोन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एक्स या सेल्फ का यूज़ करेंगे उनके साथ आपने हमेशा हाइफन यूज़ करना है। ओके, लेट्स गो टू सफिक्सेस नाउ।
थोड़े से इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी दिया था कि सुफिक्सेस क्या होते हैं. एक तो प्रीफिक्स में हम मतलब था कि कुछ पहले कोई एफिक्स है विच इज़ अमैलगम ऑफ लेटर्स, एक वो आप वर्ड से पहले लगाते हैं. लेकिन सफिक्सेस क्या हैं, ये ऐसे वर्ड के एंड में आप कुछ ऐसा लेटर्स लगाते हैं जिनसे उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. एक तो प्रीफिक्सेस शुरू में लग रहे हैं, सफिक्सेस कब लग रहे हैं, एंड में लग रहे हैं. सुफिक्सेस क्योंकि एंड में लगते हैं और हम उन्हीं की एग्जांपल्स कुछ करेंगे भी कि सुफिक्सेस किस तरह लगाने. जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मेडिसिन का जो शोभा होता है प्रोफेशन, समबडी हु इज गुड इन मेडिसिन, तो उस पर्सन को कहते हैं ना कि मेरा ताल्लुक किससे है, मेडिकल. ए एल आप लगाते हैं, ए एल का मतलब होता है हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी मेडिकल यानी मेडिसिन के प्रोफेशन से, या जो कोई नर्स है या जो डॉक्टर हैं उनका ताल्लुक है इस प्रोफेशन से. सो वी कॉल ही बिलोंग्स टू और शी बिलोंग्स टू द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल. में तो कोई भी कहता है जी मैं मेडिकल के प्रोफेशन में हूँ या मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हूँ या ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. वो वहाँ काम करता है, वो इसमें उसका प्रोफेशन है, उसको इसमें स्किल हासिल है, वो वहाँ पर जॉब कर रहा है. तो ए एल हम तब लगाते हैं. फिर है ई डी. ई डी is actually we use in the second or third form. जिस तरह आप कोई verb की form लेते हैं उसमें जो second form होती है जिसमें past simple past tense या past participle होता है, जिस तरह word है talk, this is the present main verb, इसकी second form जो past है past tense उसमें आप लिखते हैं talked, ठीक है. और third form the past participle उसमें भी आप लिखते हैं talked. अब ये देखें ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब की वहाँ मैंने एंड में क्या लगा दिया है, टॉक के, टॉक यानी बात करना, यू आर टॉकिंग एंड आई एम टॉकिंग दिस एंड शी टॉक्ड लाइक दैट. टॉक्ड या टॉक्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब की और मैंने एंड में क्या लगाया है, ईडी. तो ईडी इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उसमें भी आप नोटिस करते हैं कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम ईडी लगा देते हैं एंड में, तो इसका मतलब होता है कि ये प्रेजेंट नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट फॉर्म थी ना वर्ब की, टॉक फर्स्ट फॉर्म, देन पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म, देन पास्ट पार्टिसिपल द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ईडी तब लगता है जब आप पास्ट टेंस को या पास्ट पार्टिसिपल को डिपिक्ट करते हैं. और अगर मैं बात करती हूँ ट्रैवल, वन मोर एग्जाम्पल, इसकी सेकेंड फॉर्म है जी ट्रैवल्ड, पास्ट टेंस और फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी ट्रैवल्ड. तो यहाँ पर भी मैंने एंड में क्या लगाया है, ईडी. सो यानी कि ये चीज़ जो पास्ट में हुई है तो मैं आगे एंड में क्या लगा दूंगी, ईडी. दिस इज अनदर एग्जांपल. फिर ई एन, एक और सुफिक्स की एग्जांपल करते हैं. ई एन का सुफिक्स आप कब लगाते हैं, जब आपने बताना है कि ये चीज़ इस चीज़ की बनी हुई है. यानी जैसे कहती हूँ दिस इज़ अ वुडन चेयर, वुड, ई एन अगर मैंने एंड में लगा दिया है यानी ये चेयर वुड की बनी हुई है, ठीक है. यानी ई एन मीन मेड ऑफ, यानी ये चीज़ इसकी बनी हुई है. वुड क्या होती है, लकड़ी. और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है तो मैं उसे सुफिक्स के साथ कैसे वो लिखूंगी, वुडन चेयर. यानी ये चेयर अगर मैंने ई एन लगा दिया तो आपके लिए इजीली अंडरस्टूड होगा कि अच्छा मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो चेयर है ये वुड की बनी हुई, यानी लकड़ी की बनी हुई है. सो दिस इज कॉल्ड वुडन चेयर. या गोल्डन रिंग, अगर मैं गोल्डन रिंग क्या होती है, जो आप हाथ में पहनते हैं क्या, अंगूठी को कहते हैं, और गोल्डन अगर मैंने बोला तो इसका मतलब किसकी बनी हुई है, गोल्ड की, ठीक है, सोने की बनी हुई है. तो मैंने ई एन लगाया तो दैट मीन्स द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड. तो ई एन वाला जो आप सुफिक्स लगाते हैं एंड में वो ये चीज़ बताता है कि वो जिस चीज़ के साथ, जिस वर्ड के साथ मैं सुफिक्स लगा रही हूँ, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज़ की बनी हुई है या बना हुआ है. वुडन, वुडन मीन वुडन, वुड का बना हुआ है. गोल्डन, गोल्ड का बना हुआ है. अब आगे मैं डेफिनेटली कोई चीज़ मैंशन करूँगी, या जैसे मैंने चेयर की और यहाँ मैंने मैंशन की रिंग. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ई आर एंड ई एस टी गोल्डन बैंगल्स भी हो सकती हैं, यानी अगर मैं लिखती हूँ दीज आर गोल्डन बैंगल्स, यानी सोने की चूड़ियाँ, चूड़ियों की इंग्लिश है.
बैंगल्स, मैंने बैंगल्स क्यों लिखा है, कोई एक से ज़्यादा, अगर एक है तो बैंगल, एक से ज़्यादा है तो बैंगल्स, जनरली औरतें पहनती हैं कड़े जिन्हें आप कह सकते हैं, चूड़ियाँ कह सकते हैं, सो दीज आर बैंगल्स, ठीक है। अगर आप कोई ब्रेसलेट पहनते हैं दैट इज जनरल, अगर मैंने लिखा है वो गोल्डन बैंगल्स, यानी ये चूड़ियाँ किसकी बनी हुई हैं, सोने की बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की ई आर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ई एस टी, अगर आपको याद हो हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, हमने कहा था ई आर आप कब लगाते हैं, शी इज या ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, स्ट्रॉन्गर देन हिज, शायद थोड़ा सा आपको याद आए अगर आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की क्लास हमारी देखी हो राइज एंड शाइन में, तो उसमें हमने ई एस टी का और ई आर का यूज़ बताया था कि जब आप वर्ड के साथ ई आर लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आप एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने कहा है स्ट्रॉन्गर तो मैं डेफिनेटली इससे पहले कुछ लिखूंगी, यानी जॉन इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, यानी आप कंपेयर कर रहे हैं जॉन को उसके भाई के साथ और आप ये कह रहे हैं कि वो अपने भाई से ज़्यादा स्ट्रांग है हेल्थ वाइज, या ही इज़ गुड इन डूइंग वर्क, तो आपने कहा कि जी वो फिजिकली स्ट्रांग है, तो आपने कहा ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, तो ई आर आप कंपेरिजन के लिए यूज़ करते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद ई एस टी, अगर मैं कहती हूँ जॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास और इन द हाउस, जॉन इज़ द, बल्कि इसको ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, जॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास या इन द हाउस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगेन मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, लेकिन कंपैरिजन मैंने किसके साथ किया है, जॉन का पूरी क्लास के साथ, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल क्लास और ही इज द इंटेलेक्चुअल पर्सन, अगर मैं लिखती हूँ मोस्ट इंटेलिजेंट, हमने डिग्री में बात की थी कि मोर और मोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव सुपरलेटिव कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्योंकि ई आर और ई एस टी के सुफिक्सेस लगाए जाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पर फोकस करूँगी अभी। यहाँ मैंने कहा स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, ये दो लोगों का कंपेरिजन है, जब मैं ई एस टी लगाती हूँ तो ये भी कंपेरिजन है, लेकिन एक पर्सन का बाकी सारी उसकी ग्रुप से, फिर वो क्लास हो या घर हो या वर्किंग प्लेस हो, वो बड़ा सारा ग्रुप है उसमें वो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने कहा जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ई एस टी लगाएं बिकॉज ये क्या है, ये सुफिक्सेस हैं, ई आर भी और ई एस टी, बिकॉज सुफिक्सेस क्या है, वो वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं ताकि वर्ड को मॉडिफाई किया जाए, ऐसे उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है उसमें, उसको ऐड आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मीनिंग चेंज करने के लिए होता है, उसको और चेंज करके आप मॉडिफाई करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ वी मीन बाय मॉडिफाइंग द वर्ड बाय एडिंग सुफिक्सेस। ओके, तो ये हो गया ई आर और ई एस टी। आई टी वाई भी लगाया जाता है, आई टी वाई जिस तरह ह्यूमिलिटी, हम्बल से है, और हम्बल होना क्या है, मतलब आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, आप में ज़्यादा अकड़ नहीं है, सो आप कहते हैं आप ये पर्सन बड़ा हम्बल है, ये वर्ड है हम्बल, और अगर मैं इसको ह्यूमिलिटी लिखती हूँ, इफ अ पर्सन इज हम्बल तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ज़्यादा मतलब प्राउड नहीं है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, ठीक है। और अगर मैं इसको, हाँ जी प्लीज़ बताएं क्या वर्ड बोला आपने, यस, उर्दू में ऐसे कहते हैं आजिज़ होना, ठीक है, यू आर नॉट वेरी प्राउड, और इसको मैं अगर नाउन में लिखूंगी तो अब मैंने, यानी उसके अंदर आजजी है, यानी उसके अंदर ह्यूमिलिटी है, तो मैंने अब इसको यहाँ पर तो मैंने हम्बल लिखा था, ह्यूमिलिटी का मतलब है कि अब मैं इसको नाउन की फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, तो अब ह्यूमिलिटी में मैंने एंड में क्या लगा दिया है, आई टी वाई, यानी इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ, यानी ह्यूमिलिटी यानी उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो आजिज़ है, यानी आजजी है उसके अंदर, उसके अंदर हम्बलनेस है, हम्बलनेस भी लोग बोल देते हैं, ह्यूमिलिटी भी बोल देते हैं, ये वर्ड ये शो करते हैं कि ये उसकी क्वालिटी है, यानी उसके अंदर प्राइड नहीं है, वो उसमें अकड़ नहीं है, वो एक डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो आजिज़ है, अगर खाली से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो डाउन टू अर्थ है तो आप उसे हम्बल भी कह सकते हैं, लेकिन जब मैं उसकी क्वालिटी की बात करूँगी तो मैं कहूँगी ह्यूमिलिटी, आई टी वाई के साथ मैं क्वालिटी शो करूँगी कि ये उसके अंदर क्वालिटी है कि वो बिल्कुल भी किसी के साथ आकड़ के बात नहीं करता या अपने आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझता, तो क्या मतलब उसके अंदर ये क्या क्वालिटी है, ह्यूमिलिटी, यानी आई टी वाई के साथ आप इनको यूज़ करेंगे। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हम आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सुफिक्सेस आपने कैसे यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़ है लेस, लेस का मतलब होता है विदाउट, विदाउट
लेस मीन विदाउट. मैं कहती हूँ दिस पर्सन इज वेरी होपलेस, यानी उसमें बड़ी नाउमीदी है या बड़ा नाउमीद है जिंदगी से या किसी चीज़ से बड़ा नाउमीद है बिकॉज ऑफ द सम थिंग्स हैपेंड इन हिज और हर लाइफ. तो अब मैंने होपलेस बोला है यानी उसमें होप नहीं है, क्योंकि लेस का मतलब क्या है? विदाउट. तो अगर मैंने होप के साथ होपलेस लगाया है तो दैट मीन्स उसके पास होप नहीं है. या मैं कहती हूँ ही इज अ होमलेस पर्सन. अब होमलेस का क्या मतलब है? यानी उसके पास घर नहीं है, ही इज विदाउट होम. क्योंकि लेस वो सुफिक्स है जो एंड में अगर आप किसी वर्ड के लगाएं तो दैट मीन्स ये चीज़ उसके पास नहीं है. ही इज विदाउट होम और ही इज विदाउट होप. यहाँ पे हम एंड करेंगे. और लाइक हम एंड में आजकल आपको 10 कमांडमेंट्स करा रहे हैं तो हम आज वो करेंगे. थ्री कमांडमेंट्स हम कर चुके हैं राइट. आज हम लिखेंगे फोर्थ बिकॉज वी आर डूइंग 10 कमांडमेंट्स. ऑनर योर फादर एंड जी योर मदर. अपने माँ बाप की इज्जत करें, द फोर्थ कमांडमेंट. ठीक है, यानी हमने पहली की थी यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी. दूसरी हमने की थी यू शैल नॉट मेक फॉर योर सेल्फ एनी आइडियल. थर्ड हमने की थी यू शैल नॉट मिस यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड. एंड फोर्थ ऑनर योर फादर एंड योर मदर. दिस इज द फोर्थ वन. कह सकते हैं लेकिन बाइबल में कि माँ और बाप का सेपरेटली लिखा हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स माँ बाप को इंडिकेट करता है, लेकिन क्योंकि बाइबल में स्पेसिफिकली माँ और बाप लिखा गया है तो इसलिए आई प्रेफर कि हम वैसे ही लिखें. तो मैं इसलिए प्रेफर करूँगी कि हम फादर एंड योर मदर लिखें, क्योंकि कभी कभी आपके कोई असली पेरेंट्स ना भी हों तो आपको कोई जो पालर है वो भी आपका पेरेंट ही होता है. लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली माँ बाप की बात को की गई है तो मैं इसी वर्ड को प्रेफर करूँगी. थैंक यू सो मच. आई होप यू आर लर्निंग. स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.